Shut up and sit down. भारत श्रीलंका का संबंध पर निबंध। निबंध नंबर एक। आज का हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अतीत काल से कभी विशाल भारत का ही एक भाग हुआ करता था। खैर, आज अतीत के उन भूले बिसरे खंडों में झांकने की आवश्यकता नहीं, ऐसा करने का प्रयास ही व्यर्थ है। आज श्रीलंका भी भारत के समान ही एक प्रभु सत्ता संपन्न स्वतंत्र देश है। उसका अपना स्वतंत्र संविधान और अपनी ही स्वतंत्र शासन व्यवस्था है। आधुनिक काल में भारत के साथ वह तीन चार प्रकार से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका एक निकटतम पड़ोसी देश तो है ही, हमारी देश की ही तरह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। इसी प्रकार वह गुट निरपेक्ष देशों और आंदोलन का भी एक हिस्सा है और एशियाई देश तो है ही। वहां का वातावरण बाह्य दबावों से मुक्त, शांत और समृद्ध है। यहां उसके अपने देश के लिए हितकर है ही, पड़ोसी देश भारत के लिए भी हितकर है। एक और तथ्य ने भी श्रीलंका को भारत के साथ जोड़ रखा है, वह यह कि वहां की कुल आबादी का एक बड़ा भाग तमिल भाषा होने के कारण भारतीय मूल का है। ये सारी बातें, रिश्ते नाते इस ओर संकेत करते हैं कि अतीत काल से ही श्रीलंका और भारत निकट संबंधी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो निकट संबंधी के साथ सद्भावना और मेलजोल बनाए रखना नहीं चाहता होगा। श्रीलंका और भारत के संबंधों में उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वस्तुतः तनाव आने लगा था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही श्रीलंका में यह आवाज उठने लगी थी कि भारत मूल के लोगों को वहां से निकाल कर वापस भारत भेजा जाए। तब दोनों देशों में हुए समझौते के अनुसार नागरिकता की समीक्षा की गई थी। जो लाखों लोग यहाँ नए पहुंचे थे उन्हें अप्रवासी मानकर भारत वापस आना पड़ा था। समझौते के अनुसार ही जो भारतीय मूल के लोग शताब्दियों से वहीं रह रहे थे उन्हें वहीं रहना था, उन्हें वहीं का मूल नागरिक मान लेने का प्रावधान था। ऐसा मान भी लिया गया और बाहर से लगा कि यह मामला अब समाप्त हो गया है, पर वस्तुतः ऐसा हुआ नहीं। बाद में श्री बंडार नायके की मृत्यु के बाद जब श्रीमती बंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी, एक बार फिर से वहां के तमिल भाषी भारतवासियों को सताया जाने लगा। वहां तमिल और सिंहली भाषाओं का मामला गर्म किया गया। वस्तुतः श्रीलंका वासी अब भाषा के आधार पर बट से गए। सिंहली और बौद्ध एक तरफ हो गए जबकि तमिल भाषी दूसरी तरफ। धीरे धीरे इनमें अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। इस प्रवृत्ति ने वहां उस भयावह बंटवारे की समस्या को जन्म दिया कि जिसे अभी अभी भारत की सहायता और गारंटी किया गया है पर वास्तव में समाप्त न होकर आज भी जारी है। श्रीमती बंडार नायके प्रधानमंत्री तो न रही पर जाते जाते भी अपने देश को सुलगती आग में झोंक ही गई, भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर गई। श्रीलंका में सिंहली बौद्ध क्योंकि बहुमत से थे इस कारण वे तमिलों को अकारण सताने लगे, पूरे देश के बाहर निकाल देने की भरपूर चेष्टा करने लगे। जबकि वहां रह गए तमिल श्रीलंका को अपना देश मानते थे, जब उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया तो उनमें उग्रवाद ने जन्म लिया। तमिल हितों के रक्षक कई गुट सशस्त्र होकर सामने आने लगे। उधर सिंहली उन्हें कुचल कर रख देने के लिए डट गए। तमिलों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे। हजारों लोग और परिवार चोरी छिपे भागकर समुद्र के रास्ते हमारे देश में तमिलनाडु में शरणार्थी बनकर आने लगे। तब भारत का चिंतित हो उठना स्वाभाविक ही था। इतना ही नहीं, कट्टर राष्ट्रीयता की सनक में पड़कर सिंहली सैनिक तमिलों का सशस्त्र सेनाओं के बल पर व्यापक संहार तो करने ही लगे, उनके प्रदेश जाने में नाकेबंदी करके दवा दारू दूध पानी और उपभोक्ता सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि तमिल भी उग्र होकर शस्त्र उठा चुके थे, उन्हें कुचलने के लिए सिंहली सेना तो थी ही। श्रीलंका सरकार ने इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन ने भी सहायता लेनी आरंभ कर दी। स्पष्ट था कि अब भारत चुप नहीं बैठ सकता था। चुप तो वह पहले भी नहीं था, पर अब तो खतरा पैदा हो गया था कि इस प्रकार एशिया का यह छोटा सा देश श्रीलंका विदेशी निहित स्वार्थियों का अड्डा बन जाएगा। भारत और आसपास का सागर विदेशियों से घिर जाएगा। यह स्थिति देखकर ही भारत ने सहायता सामग्री पहुंचाने के रूप में श्रीलंका के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप किया। सुपरिणाम हमारे सामने आया। तमिल उग्रवादी भारतीय शांति सेना की देखरेख में अपने शस्त्र समर्पित करने लगे। सिंहली सैनिक अपनी छावनी में लौट गए और लगने लगा कि हवा में शांति तैरने लगी है।
किंतु भारतीय शांति सेना के लौटते ही वहां आपसी संघर्ष फिर तेज हो गया। अब दोनों ओर से मारक एवं उग्र प्रभाव सामने आ रहा है। इस तथ्य से सभी भली भांति परिचित हैं। जो हो, इस प्रकार श्रीलंका की अपनी ही अंदरूनी समस्या के कारण भारत के साथ संबंधों में जो एक गहरा तनाव आ गया था, संबंध टूटने तक की नौबत आ गई थी। वहां के राष्ट्रपति जयवर्धन ने की साहसिक दूरदर्शिता और हमारे नेताओं की सूझबूझ के कारण वह स्थिति समाप्त हो चुकी है। भारत मानता है कि आस पड़ोस के शांति समृद्धि रहने से ही हमारे यहाँ भी शांति समृद्धि रह सकती है। अपनी इस नीति के तहत उसने श्रीलंका के साथ एक नए युग का सूत्रपात किया है। इसका स्थिरता आवश्यक है, श्रीलंका के लिए भी और भारत के लिए भी, बल्कि समूचे एशिया के लिए भी। इसी कारण फिलिस्तीन नेता श्री अराफात ने इस घटना को पूरी 20वीं सदी की एक अद्भुत घटना कहा है। लेकिन इसके लिए वहां तमिल सिंहली संघर्ष समाप्त होकर शांति स्थापित होना परम आवश्यक है। श्रीलंका की अपनी विकास यात्रा भी शांति स्थापित होने पर ही संपन्न हो सकती है। भारत श्रीलंका संबंध पर निबंध, निबंध नंबर 2। भारत के आसपास छोटे बड़े जितने भी निकटतम पड़ोसी देश है, उनमें श्रीलंका भी एक प्रमुख देश है। यह एक पौराणिक ऐतिहासिक तथ्य है कि श्रीलंका के समुद्र तटीय देश होने के बावजूद भी अत्यंत प्राचीन काल से भारत के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध चले आ रहे हैं। इन संबंधों का इतिहास त्रेता युग के राम राज्य के समय से मिलने लगता है। एक विशेष तथ्य है कि भारत में प्रचलित पुरानी कथाओं और लोक कथाओं पर जिस सिंघल द्वीप और वहां की भव्य प्राकृतिक सुंदरता का प्रचुर वर्णन मिलता है, वह आज का श्रीलंका ही है। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत चलने वाले प्रेम मार्गी प्रतिनिधि कवि और साधक मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत नामक महाकाव्य की राजकुमारी पद्मावती को सिंघल द्वीप की राजकुमारी ही बताकर उसकी तथा द्वीप की सुंदरता का व्यापक वर्णन किया है। आज सत्य यह भी है कि श्रीलंका के तमिल भाषी नागरिक मूलतः भारत के भूभाग तमिलनाडु के ही वासी है। आज भी यहाँ वहाँ समान रिश्तेदारियां हैं। सिंघल या श्रीलंका की मूल भाषा सिंधली है, पर वहाँ तमिल का भी विशेष प्रचलन है। वहाँ की समूची वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं भी बहुत कुछ तमिलनाडु जैसी ही है। हाँ, सिंघली और तमिलों के शारीरिक रंग रूप और आकार प्रकार में कुछ अंतर अवश्य है। श्रीलंका को स्वतंत्रता भी भारत के स्वतंत्र होने के कुछ बाद ही मिल सकी। श्रीलंका और भारत दोनों निर्गुट आंदोलन के अंग तो रहे ही, बाडुक सम्मेलन जैसे कुछ संस्थाओं के भी यह सह सदस्य रहे और आज भी है। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों देशों में पहली टकराहट निवासी या प्रवासी भारतीयों को लेकर उत्पन्न हुई। श्रीलंका सरकार ने वहां बसे सभी भारतीयों को वहां से चले जाने का आदेश तो दिया ही, अनेक उच्च व्यापारियों की संपत्तियां तक जब्त कर ली। बाद में राजनीतिक स्तर पर दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इस समस्या के समाधान के प्रयास किए, ताकि नव स्वतंत्रता प्राप्त दोनों राष्ट्रों में वैमनस्य उत्पन्न न हो। दोनों के अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे संबंधों में टूटने और अलगाव की स्थिति न आए, दोनों अपने नवनिर्माण के कार्य भी निश्चिंत होकर कर सके। समझौते के अनुसार श्रीलंका के संबंध उपयुक्त मामलों को लेकर शेष बातों में रहे आज भी सामान्य है, तो ऐसा कहना मानना सच न होकर अपने आप में रखना होगा, क्योंकि आरंभ से ही जाने किस कारण और किस भय के में आकर वहां का शासक वर्ग यह मानकर चलता आ रहा है कि बड़ा और शक्तिशाली देश होने के कारण भारत उसे अपने दबदबे में रखना चाहता है। इस कारण कभी श्रीलंका का झुकाव पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के प्रभाव में आकर उसकी ओर होता रहा है, कभी साम्यवाद के प्रभाव एवं बहकावे में आकर चीन की ओर होता रहा है। आज भी उसकी स्थिति नीतियों का झुकाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। बीच में एक युग कुछ काल के लिए अवश्य ऐसा आया जब लगने लगा था कि अब भारत श्रीलंका के अच्छे संबंधों का युग हो गया है। यह वह जमाना था जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की श्रीमती माओ भंडार नायके थी। उसके बाद राष्ट्रपति जयवर्धन के शासनकाल में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दोनों देशों के संबंध अच्छे हो गए हैं। तभी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के अनुरोध पर भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने वहां खड़े हुए जातीय संघर्ष या उग्रवाद को शांत करने के लिए भारत की शांति सेनाएं वहां भेजनी स्वीकार ही नहीं की, बल्कि भेज भी दी।
वहां की जनता एवं राजनीतिज्ञों दोनों ने इस बात को विदेशी हस्तक्षेप मान और खुलकर भारतीय सेना की वहां उपस्थिति का विरोध भी किया है। सच तो यह है कि इस कदम का विरोध भारत में भी हुआ और कुछ जाने चली जाने के अतिरिक्त कुछ लाभ भी नहीं हुआ। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेमदास भारतीय सेना के आगमन के सबसे बड़े विरोधी रहे। यह विरोध किस सीमा तक हुआ और कितना उग्र था, एक उदाहरण तो तब सामने आया जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वहां जाकर सलामी गारद का निरीक्षण करते समय एक सिंहली सैनिक ने अपनी राइफल के बट से उनके सिर पर प्रहार करना चाहा। दूसरे निट्टे के तमिल उग्रवादियों ने प्राणघाती मानव बम का प्रयोग कर श्री राजीव गांधी की हत्या ही कर डाली। ऐसी स्थिति में भारत श्रीलंका के बीच औपचारिक संबंधों के अतिरिक्त किन्हीं हार्दिक संबंधों की बात कहकर हम धोखे में नहीं रहना चाहते। आज के संदर्भों में जब से श्रीलंका की बागडोर नए शासकों के हाथ में आई है, तब से भारत श्रीलंका के संबंधों को मात्र औपचारिक कहकर सामान्य स्तर पर ही कह सकते हैं। दोनों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विवाद भी नहीं है। सामान्यतया दोनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का विरोध भी नहीं करते। पहले की तरह पाकिस्तान या चीन के दबाव में आकर आज का श्रीलंका भारत का विरोधक या बदनाम करने वाली बातें भी नहीं उछालता रहता। भारत भी कई प्रकार से आर्थिक एवं योजनाएं पूर्ण करने में उसकी सहायता भी करता रहता है। ऐसी दशा में संबंधों में प्रगाढ़ता तो नहीं कही जा सकती, हाँ सामान्यता मानवीय दृष्टि रखने की बात अवश्य मानी जा सकती है।